दोस्तों, ये रियल मत्स्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो देवों के देव ने श्री हरिदेव का अभ्यर्चन करते हुए ये वाक्य कहा था कि हे देव, आपने बहुत बड़ा कर्म संपादित किया है। ये कालनेमी और विष्णु का युद्ध जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछला वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और सुगनों के शल्य को आपने उद्गृत कर डाला है। दैत्यों के इस वध से आपने हम सबको परितोषित कर दिया है, जो कि है विष्णु। आपने इस महासुर कालनेमी को निहत कर डाला है। इस युद्ध में आप ही एक इसके हनन करने वाले थे। अन्य कोई भी आपके अतिरिक्त नहीं है। इससे सब देवों को परिभूत कर दिया है और सुरों एवं असुरों के सहित लोगों का भी परिभव किया है। कि ये ऐसा दुष्ट था कि ये ऋषियों का कदन करके मुझको भी अपनी गर्जना दिखाता था। आपने अच्युतम इस कर्म से मैं बहुत ही परितुष्ट हुआ हूँ, जो ये काल के सदस्य कालनेमी आपके द्वारा निपतित हुआ है। ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब आप पधारिए, आपका परम मंगल होए। अब हम भी उत्तम दिव्यलोक को चलते हैं। वहाँ पर सदुगण समुपस्थित ब्रह्मर्षिगण आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे वरदान देने वालों में परम श्रेष्ठ, मैं आपको कौन सा वरदान दूंगा? आप सुरों में और दैत्यों में वरदानों को प्रदान करने वाले वरद हैं। इस परम विस्तृत त्रिलोक्य को निहत कंटक वाला निर्यात कर डालिए। हे विष्णु, इसी युद्ध में आपने महान आत्मा वाले इंद्र के लिए ये सब कर दिया है। इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा अविनाशी श्री हरि से कहा गया था। अब श्री हरि ने इंद्र जिनमें प्रधान थे उन समस्त देवों से परम शुभ वाणी से कहा था। विष्णु भगवान ने कहा था, अब सब देवगण श्रवण कर लो। जितने यहाँ पर इस समय में समागत हुए हैं, श्रवण में परम समाहित श्रोतों से पुरंदर आगे को करके हमने समर में कालनेमी प्रमुख सब दानव निहत कर दिए थे। ये समस्त दानव विक्रम से उपेत थे तथा इंद्र से भी महत्तर थे। इस महान संग्राम में दो दैत्य भी निश्चित हुए थे। एक तो दैत्येंद्र विरोचन था और दूसरा महान ग्रह सर्वभानु था। अब इंद्र अपनी दिशा का सेवन करे और वरुण अपनी दिशा में चले जाए, यम चले जाए, धनाधि उत्तर दिशा में पहुंच जाए, वृक्षों के सहित यथा योग्य चंद्रमा भी चले जाए, ऋतुमुख में आयनों के सहित सूर्य शब्द का सेवन करे, सदस्यों के द्वारा अभिभूजित आज्य भाग प्रभावित हो जाए, वेदों के द्वारा दुष्ट कर्म से विप्रों के द्वारा अग्नियों में हवन किए जाए, अग्नि के होम से देवगण, संध्या से महर्षिगण और श्राद्ध से पितृगण सुखपूर्वक तृप्ति को प्राप्त करें, वायु अपने मार्ग में स्थित होकर संचरण करें और पावक तीन प्रकार दीप्त हुए, दीक्षणीय दिजातियों के द्वारा ऋतुगण तीन वर्णों को और तीन लोकों को अपने गणों से तृप्ति करते हुए संप्रवृत्त हुए, यज्ञों के लिए पृथक दो दक्षिणाएं उपफल हुए, सूर्य गौ को सोम रसों को और वायु प्राणियों में प्राणों को प्रदान करें, सभी अपने दो कर्मों के द्वारा तृप्त करते हुए प्रवृत्त हुए, यथावत अनुपूर्वी से महेंद्र और मलय में उपभोग पाने वाले स्वकर्मों से तृप्ति देते हुए प्रवृत्त हो जाए, त्रिलोक्य की माताएं समस्त सिंधु समुद्र में गमन करें। सब देवता लोग अब दैत्यों के द्वारा होने वाले भय का त्याग कर दे और सबका कल्याण होवे। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक को गमन करूँगा अथवा घर में स्वर्ग लोक में तथा विशेष रूप से संग्राम में गमन करूँगा। आपको बिंब नहीं मानना चाहिए। ये दानव नित्य ही शूद्र हैं, छिद्रों में ही प्रहार किया करते हैं और उनकी संस्थिति निश्चित नहीं है। आप लोग परम सौम्य और सरल भावों वाले हैं। आपका सरलता ही धन है। इस प्रकार से सत्य पराक्रम वाले भगवान विष्णु ने
सूर्यगणों से कहकर फिर महान यश वाले वे ब्रह्मा जी के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए थे। उस तारकामय संग्राम में ये एक आश्चर्य हो गया था जिसको दानवों का और भगवान विष्णु का ही कहना चाहिए, और यही आपने मुझसे पूछा था। भव महात्य वर्णन। ऋषिगण ने कहा है, भगवान आपके द्वारा वर्णित विस्तार पूर्वक पद्मोद्भव का श्रवण कर लिया है, अब आप संक्षेप में भैरव का भव महत्व वर्णित कीजिए। महामहर्षि सूत जी ने कहा, देवों के देव उसका भी उत्तम कर्म का आप श्रवण करो। एक अंधक नाम वाला अभिनंजन क्षय वाला दैत्य था। वो दैत्येंद्र महान तप से युक्त था और देवों का वध ना करने के योग्य था। उसने किसी समय में पार्वती के सहित प्रभु महादेव को क्रीड़ा करते हुए देख लिया था, यानी एक रोमांटिक अंदाज में प्रणय करते हुए या संभोग करते हुए देख लिया था। और उसी समय में महादेव पार्वती का क्रीड़ा मतलब यही होता है, मैंने पिछले वीडियो या बुक में पढ़ा था। और उसी समय में उस दैत्य ने देवी पार्वती के हरण करने का उपक्रम किया था। उसी समय में उस दैत्य का समूह के साथ परम घोर युद्ध हुआ था। अनित्य घोर विषय में महाकाल वन के प्रति उस समय में उस महायुद्ध में अंधक के द्वारा रुद्रदेव को अत्यंत उत्पीड़ित किया था। पशुपत नाम वाले अत्यंत उग्र बाण को प्रस्तुत किया था। रुद्रदेव के बाणों के द्वारा विशेष निर्वेद को प्राप्त होने वाले अंधक के रक्त से रुधिर से सैकड़ों और सहस्त्र अंधक सुसंपन्न हो गए थे। जब उनका विदारण किया गया तो फिर विदीर्यमान उनके रुधिर या रक्त से दूसरे और भी अंधक पैदा हो गए थे। उस समय में परम घोर अंधक उत्पन्न हो गए थे जिनसे ये समस्त जगत एकदम व्याप्त हो गया था। उस समय में इस प्रकार से मायावी उस अंधक को देव ने देखकर उस अंधकास्त्र के पान के लिए उस समय में उन्होंने माताओं का सृजन किया था। अब उन माताओं के नाम बतलाए जाते हैं, माहेश्वरी, ब्राह्मी, कौमारी, मालिनी, सोपर्णी, वायव्या, साक्री, शौरी, शिवा, दूति, निश्रिति, चामुंडा, बारुणी, बाराही, नरसिंगी, वैष्णवी, चलचिखा, सतानंदा, भगानंदा, पिच्छला, बला, सुनंदा, काली, दूति, सुभगा, दुर्भगा, करादी, नंदिनी, रेवती, सुरभि, जया, विजया, जयंती, ये सब, अपराजिता, अदिति, दीति, मारी, मृत्यु, कर्णमोटी, ग्राम्या, उल्लूकी, घटोदरी, कपाली, पिसाची, राक्षसी, भुसुंडी, चंडा, लांगली, कटुभी, बेताली, काबीरा, करालिनी, प्रीतयाना, कौंचा, सिद्धि, लेलियाना, केकरी, श्यामा, धनु, उषा, रंभा, मेनका, पुलीला, चित्ररूपिणी, स्वाहा, मंगला, महामुखी, ज्येष्ठा, माया, कामरूपा, कुमारी, रोचना, भीमा, निर्भया, चंद्रसेना, तो ये सब इतने सारे नाम हैं। पिंड जीवा तथा अन्य माताओं का देवेश्वर ने उस समय में सृजन किया था। उस समय में सृजन किया था मतलब सब देवों ने इतनी सारी औरतों को, देवियों को वहाँ पर लाया था, ठीक है, दूसरी जगह से यहाँ पर सृजन किया था का मतलब लाया था, क्योंकि ज़रूरत था उनका। उस समय में उस महा घोराओं ने अंधकों के रुधिर का पान किया था। इसके अनंतर अंधकों के रुधिर से सभी माताएं परम तृप्त को प्राप्त हुई थी। इसीलिए सब रक्त को पान करने वाली नेगेटिव एनर्जीज कही जाती है, ठीक है, ऋषियों के मुताबिक।
उनके तृप्त होने पर भी पुनः अंधकों की प्रजा उत्पन्न हुई थी। शूल और मुद्गर हाथों में धारण करने वाले उनके द्वारा महादेव बहुत ही अर्धित हुए थे। इसके उपरांत तो वो देव शंकर अंधकों के द्वारा व्याकुल कर दिए गए थे और फिर वे अज प्रभु वासुदेव भगवान की शरणागति में प्राप्त हुए थे। फिर वो लास्ट में वासुदेव भगवान के पास गए थे हेल्प के लिए। इसके अनंतर भगवान विष्णु ने शुष्क रेचे की सृष्टि की थी, जिसने क्षण भर में ही उन अंधकों के रक्त को पी लिया था। हे जनाधिप, जैसे दोवे उस अंधक के रुधिर का पान करती थी, वैसे दो ही देवी अधिक शुष्क हो जाया करती थी। उस प्रकार से अंधकों के रक्त का पान कर लेने पर वे सब अंधक त्रिपुरारी के द्वारा क्षय को प्राप्त कर दिए गए थे। उस समय में जो मूल अधिक था, उस पर त्रिलोकी के धारण करने वाले भगवान शिव ने विक्रम करके वेग के साथ उसको अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर कर दिया था। उस अंधक ने फिर भगवान शंकर का श्रवण किया था। वो अंधक महान वीर्य वाला था और उससे भगवान भव परम तुष्ट हो गए थे। फिर तो शंकर ने उसको अपनी समीपता को रहने का पद तथा गणेशत्व पद का प्रदान किया था। इसके अनंतर सब मातृगणों ने भगवान शंकर से ये वाक्य कहा था, हे भगवान, हम अब सब देव असुर और मानवों का भक्षण करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण जगत आपके ही प्रसाद से समुपन्न हुआ है और स्थित है। सो अब आप हमको आज्ञा प्रदान करने के योग्य होते हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा था। शंकर बोले, आप सबको इन प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, इनमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए इन घोर जो प्रजाओं के भक्षण कर जाने के अभिप्राय है, उनसे शीघ्र ही अपने मन को हटा लो। इस प्रकार से कहे हुए इन भगवान शंकर के वचनों का उन मातृगणों ने उस समय में अनादर कर दिया था। अति उग्र स्वरूप वाली उन माताओं ने इन चराचर संपूर्ण जगत तथा त्रिलोकी का भ्रमण करना आरंभ कर दिया था। उस समय में मातृगण के द्वारा इस त्रिलोकी के भक्ष्यमान होने पर भगवान शिव ने देवेश्री नरसिंह मूर्ति का ध्यान किया था, जिसका स्वरूप आदि और अंत से रहित है और जो इस संपूर्ण लोक में उत्पत्ति को धारण करने वाले हैं। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल के रुधिर से चर्चित महान नखों वाले विद्युत के तुल्य जीव से युक्त महान दाढ़ों वाले स्फुरित हुए केशरों के कंटकों से संयुत कल्प के अंत में शोभ से पूर्ण मारुत से समन्वित तथा सप्रिपर्ण वृक्ष के तुल्य ध्वनि वाले थे। वज्र के समान तीक्ष्ण नखों वाले घोर कानों तक व्यावहित मुख वाले मेरु पर्वत के सदस्य उदयकालीन सूर्य के समान नेत्र वाले हिमालय को कि शिखर के समान आकार से संयुक्त सुंदर दाढ़ो समुज्जल मुख वाले नखों से निकली हुई रोषाग्नि की ज्वालाओं की माला वाले वज्र के अंग के धारण करता मुकुट से युक्त हार और केयूरों के आवरण से भूषित तेज से समाक्रांत संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार से संकुल उनका स्वरूप था। हूत की हुई हव्य को बहन करने वाले अग्नि की ब्रह्ममान अर्चियों के पवन आवर्त के सदस्य आकारों वाले देह के लोमजी से संयुक्त सभी तरह के पुष्प से अद्भुत महामाला को धारण करने वाले श्री नरसिंह का स्वरूप था। जैसे ही शिव ने उनका उपयुक्त स्वरूप से समन्वित बापू का ध्यान किया था, वैसे ही तुरंत उन्होंने शिव को अपना दर्शन दिया था। जिस प्रकार के स्वरूप का धीमान रुद्रदेव के द्वारा ध्यान किया गया था, उसी प्रकार के देवों के द्वारा भी दुर्निरीक्षणीय स्वरूप से वो वहाँ उपस्थित हुए थे। भगवान शंकर ने उनको प्रणिपात करके फिर स्तुति की थी। भगवान शंकर ने कहा, हे जगत के स्वामी, आप तो नर और सिंह दोनों के स्वरूप को धारण करने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। दैत्यनाथों के रक्त से आप पूर्ण हे, नखों की शक्ति से विराजमान है संपूर्ण संलग्न हेन के सदस्य पिंगल विग्रह वाले हे पद्मनाभ, मैं आपको प्रणत होता हूँ। हे सूर्य के शक्र, हे जगत के गुरु, हे कल्पांध में
अम्बोध के समान निर्दोष वाले, आप तो करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले हैं। आपका क्रोध सहस्र यमों के समान है। आप सहस्र इंद्र के समान पराक्रम वाले हैं। आप सहस्र धनुषों के तुल्य यज्ञ हैं और आप सहस्र वरुणों के स्वरूप वाले हैं। हे सहस्र कालों से रचित, हे सहस्र नियत इंद्रियों वाले, हे सहस्र भूमि, हे सहस्र अनंत, हे मूर्तिमत, हे सहस्र चंद्रों की प्रतिभा वाले, आप तो सहस्र ग्रहों के विक्रम वाले हैं और सहस्र चंद्रों के तेज से संयुक्त हैं। आप सहस्र ब्रह्माओं के द्वारा संस्तुत हैं। हे सहस्र बाहु वर्गाग्रह, हे सहस्राक्ष के समान नेत्र वाले, हे सहस्रंध मन, मैं अंधक दैत्य के विनाश के लिए जिन मातृगण का सृजन किया था वही आज मेरे वचन का अनादर करके उन प्रजाओं का भक्षण कर रहे हैं। हे अपराजित, उस मातृगण को सृजन करके अब उसके संहार करने में मैं असमर्थ हो रहा हूँ, क्योंकि स्वयं ही मैंने जिसको बनाया था उसका विनाश मैं स्वयं कैसे करूँ। इस प्रकार से रुद्रदेव के द्वारा उन नरसिंह भगवान बपु के धारी प्रभु से जब कहा गया था, उन सरीदेव ने जीवा की बानेश्वरी की रचना की थी। हृदय से माया, गुह से भवमालिनी और अस्थियों से कोली का पहले उस महात्मा ने सृजन किया था, जिसने महात्मा अंधकों का रुधिर पान किया था और जो नाम से लोक के शुष्क रेवती कही गई थी। इसके पश्चात चक्रधारी प्रभु ने अपने ही गोत्र के 32 माताओं का सृजन किया था। उन सब के नामों को बतलाने वाले मुझसे अब तुम सुन लो। उनमें सभी महान भागों वाली थी, घंटाकर्णी, मोहिनी, पुष्पा, सर्वसत्व संकरी, चक्रहृदया, कमला तथा उत्पल हस्तिका के राजन देवियों का जो अष्टक था वो मायानुचरण कहा जाता है। अजिता, विद्या, नरसिंह, भैरवा, बिल्वा, ये सभी माताओं के नाम है। जया, भवमालिनी, ज्वालामुखी, कामधेनु, बालिका, ये रेवती की अनुचरणी थी ऐसा कहा गया है। ये 8 महाबल वाली और सभी देव के गात्र से सुसंपन्न होने वाली थी। ये सब देवता त्रिलोक की सृष्टि एवं संहार करने में समर्थ थी। वे देव के द्वारा शिष्ट मात्र होते ही है महाराज अति क्रुद्ध होकर क्रोध से विस्फारित नेत्र वाली मातृगण के पीछे प्रवाहित हुई थी। उनकी दृष्टि का तेज परम दारुण था। उन सब ने उन्हीं की शरणगति प्राप्त की थी। तब श्री नरसिंह प्रभु ने ये वाक्य कहा था, जिस प्रकार से मनुष्य और पशु चिरकाल तक सूतों का पालन किया करते हैं उसी भांति देवगण के समान शीघ्र ही जय को प्राप्त होते हैं। आप लोग मेरे द्वारा प्रेरित होकर लोकों का पालन करें तथा मनुष्य और देवगण सब त्रिपुरांतक का अभ्यर्चन करें। भगवान त्रिपुरांतक के जो भी भक्तगण हो उनको कोई भी बाधा नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य यहाँ पर मेरा स्मरण किया करते हैं उनकी भी सदा रक्षा करनी चाहिए। जो नर आपका सर्वथा बलि कर्म किया करते हैं अर्थात आपको बलि समर्पित करते हैं उनकी समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाले आप लोग उसी भांति बन जाइए। मेरे द्वारा प्रेरित जो उच्छा सनादिक का कथन करते हैं उन लोगों की सदा रक्षा करनी चाहिए और मेरे आसन की भी सुरक्षा करने की कृपा करें। महादेव परारुद्री मूर्ति का प्रदान करेंगे। आप में जो मुख्य महादेवियाँ हैं वे सब उपयुक्त सबकी रक्षा करें। मेरे द्वारा इस मातृगण का सृजन किया गया है जो ये इस समय में विगत भय वाला है। ये नित्य ही विशाल नेत्र वाली मेरे ही साथ रमण में रमण करेंगे। मेरे ही ये नरों से पूजा प्राप्त करेंगी। यदि इन्हें पृथक भी समर्चन किया जाएगा और लोग ऐसा करेंगे तो ये सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति करा देंगे। जो तो मेरे ही नरों से पूजा प्राप्त करेंगे मतलब मेरे ही मनुष्य से या भक्त से जो पुत्र के प्राप्त करने की इच्छा वाले हैं उन गणों को ये देवी पुत्र प्रदा अवश्य ही हो जाएंगी। इनमें तनिक भी संशय का कोई अवसर नहीं रहता है।
इस प्रकार से कहकर कहकर वो भगवान मातृगण के साथ ही ज्वालाओं की मालाओं से समाकुल बपू वाले वहाँ पर अंतरित हो गए थे। वहाँ पर एक तीर्थ की उत्पत्ति हुई थी जिसको किस सोचा नाम का गान किया जाता है। वहाँ पर भी पूर्वज देव इस जगत की आती का पीड़ा का हरण करने वाले हरि थे। हे पार्थिव भगवान रुद्रदेव रौद्र मातवर्ग को रुद्र एवं दिव्य तप प्रदान करके वहाँ पर मातृ मध्य में व्यवस्थित हो गए थे। वे सात तो माताएं देवियां हैं और सात नारी नर शिव हैं। उन रुद्र स्थान को निवेशित करके वहीं पर अंतर्धान हो गए थे। वो जब जब भी वो मातवर्ग की हर की मूर्ति उसके समीप में जाती है वो त्रिपुरांधिकारी शिव देवेश्वर नरसिंह मूर्ति की भी पूजा किया करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।